एक गांव में एक गरीब नाई रहा करता था, जो कि एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगाकर लोगों की हजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। उसके पास रहने को घर ना था और ना बीवी बच्चे थे, सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वह एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आंख खुली तो हर तरफ शोरोगुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टैंकी पर चढ़ गया, चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा था, कोई जेवर, कोई बकरियां, तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स उस नाई के पास से गुजरा और उसे सुकून से लेटे हुए देखा तो गुस्से से बोला, ओए साड़ी हर चीज़ उजड़ गई है, साड़ी जान ते बनी है, ते तू इत्थे सुकून नाल लमा पिया होया है। ये सुनकर नाई बोला, लाले अज ई ते गुरबत दी चस आई है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर एक ख्याल आया कि शायद रोज़े महशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, दो वक्त की रोटी, कपड़ा, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बंगले, सोना और जेवरात, मुलाजिम, पैसा, हलाल हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से थर थर कांप रहे होंगे। तब शायद उसी नाई की तरह गरीब उन अमीरों को देख रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे, आज जीते गुरबत दी चस आइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करने की और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मज़ीद ऐसी सबक़ आमेज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।